we are in this series of revision videos of the poem. Today, of course, the second poem we are going to revise in this video. And the second poem, The Labanum Top. So let's start. So that is The Labanum Top by Ted Hughes. Without any delay, let's see the introduction of the poem. The poem tells about a repaying relationship, how the tree remains silent and the goldfinch bird comes and sits on the tree and the tree becomes alive, new, like pleasant, happy. And again, when this bird leaves from here, the tree becomes silent and dead-like again. So let's see the poem. This is the poem. The Labanum Top is quite silent, quite still. Labanum Top, जो Labanum Tree है, उसका top, अमलतास का जो पेड़ है, उसका जो top है, बिल्कुल silent है, quiet है, still है. Afternoon का time है, और कौन सा है? Month, September. और sunlight पड़ रही है, और कुछ leaves जो है, क्योंकि ये season ही ऐसा है, September, when trees shed their leaves, तो कुछ जो लीव्स है वो येलो हो रहे हैं, सीड जो है वो गिर चुके हैं, तो मतलब ट्री ऑलरेडी जो है वो एकदम डेड लाइक होते जा रहा है. अब कब तक ये डेड लाइक है? जब तक ये गोल्डफिंच बर्ड आती नहीं है. द गोल्डफिंच बर्ड कम्स एंड विद अ ट्विचिंग चिरप. ट्विचिंग चिरप जो ट्विचिंग होती है, और ये जो है एक सडननेस लाता है, एक अचानक से, क्योंकि वो आती है चहचहाते हुए, एक स्टार्मेंट, एक सडननेस आ जाता है, एक चिरप है जो हाई पिच साउंड है किसी बर्ड का, उसकी वजह से जो सडननेस आ जाती है, अचानक से जो पेड़ है शेक होने लगता है, एक स्टालमेंट आ जाता है, एक पेड़ को एक सडन शॉक सा मिल जाता है एट ब्रांच एंड. और अभी ये बर्ड जो है वो आके ब्रांच के एंड पे ही बैठी है, तभी इतना एक्टिव हो गया है पेड़. शी एंटर्स द थिकनेस देन स्लीक एज अ लिजर्ड अलर्ट अब्रप्ट अचानक से रैपिडली अलर्टली वो एंटर करती है. कहाँ? द थिकनेस ऑफ अ ट्री, जो ट्री का थिकनेस है उस पर एंटर करती है स्टेम की टूवर्ड्स. और एक मशीन स्टार्ट हो जाती है. मशीन ऑफ वॉट? मशीन ऑफ चिटरिंग. चिटरिंग जो चिरप का साउंड है. ऑफ ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, शेकिंग ऑफ विंग्स. और ये सब किसका है? जो गोल्डफिंच बर्ड है उसकी जो फैमिली वहाँ ट्री में थी वो एक्टिव हो जाती है. तो इसीलिए होल ट्री अब क्या कर रहा है? ट्रेम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है, थ्रिल हो गया है. और जो गोल्डफिंच बर्ड है उसको उसकी फैमिली का इंजन कहा गया है, क्योंकि वो फैमिली अभी तक शांत थी और उसके आने से वो फैमिली तुरंत स्टार्ट हो गई है, एक्टिव हो गई है. तो दिस बर्ड इज नोन एज इज कॉल्ड एज द इंजन ऑफ द फैमिली बाय दिस पोएट. ओके, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू, जो भी वो दाना लेके आई रहती है वो पूरा फीड करा देती है अपने चिल्ड्रन को. एंड नाउ अगेन शी फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड, और फिर से चली जाती है ब्रांच एंड की तरफ, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. और गोल्डफिंच के फेस पे जो है वो एक बार्ड मतलब लाइन्स होती है, और वही वो दिखाती है, बेयर करती है, दिखाती है, और फिर वो चली जाती है, उड़ जाती है. देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग. एंड नाउ वो जो सडन स्टारमेंट था, बहुत तेज से चिटरंग हो रहा था, वो सब क्या हो गया? एकदम स्लो हो गया है, डेलिकेट हो गया है, और हल्का सा चिरप आता है, फिर विस्परिंग का साउंड आता है घुसफुसाने का. और वो अब क्या हो गई है? अभी तक तो ब्रांच एंड पे थी, अब शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट. अब वो उड़ चुकी है इनफाइनाइट के तुरंत, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कहाँ जाना है, आगे क्या होना है. क्यों? क्योंकि वो फिर से दाना खोजने के लिए कहीं भी जाएगी और अपने बच्चों के लिए दाना खोज के लेके आएगी. एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबनम ट्री है फिर से डेथ लाइक साइलेंट हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, क्वाइट हो जाता है. Now these are the meanings, these are the poetic devices, summary this is, and these are some questions which you can refer to. Pause the video and you can of course see. That's all for this. Thank you so much. Thank you for watching. Keep supporting.